सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी HRTC वालों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो लॉन्ग रूट पे ठकारा बसेस ना भेजें, आप भेज देंगे आगे फिर ये हाल हो जाएगा। और उस रूट पे मेरे हिसाब से शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं चले हुए। मैंने अपनी सीट जब ऑनलाइन बुक करी थी और मुझे नहीं पता था कि जो सीट मैं बुक कर रही हूँ उसका शीशा आधा जो है वो फिक्स्ड होएगा, ना वो खुलेगा उससे ज़्यादा ना बंद होएगा। और चौड़ी टू शिमला बाया जो है वो ज्वालाजी बिलासपुर हमीरपुर जो जाता है वो रोड है चला हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन, धूलधारी अंदर आ रही थी और ये हाल हो चुका है। ये तो है भाई जाते टाइम की स्टोरी, जो वापसी टाइम हुआ वो वीडियो के एंड में है। आप लोग अभी ये वीडियो देखो और HRTC वालों को तो क्या कहूँगा, यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, फीडबैक डालनी पड़ेगी उनकी साइट पे। अभी आप वीडियो देखो। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अभी हम रेडी हो चुके हैं और वीडियो स्टार्ट हो रही है रात के 9:45 बजे। अभी हम निकल रहे हैं तैयार श्यार होके शिमला के लिए। क्या मतलब क्या हो गया? हेलो मिला, किसी का फोन आया है? अच्छा नहीं, निकलते हैं फिलहाल से, लेके चलते हैं आपको चंबा टू शिमला, चंबा शिमला बस में। चलो दिस इज द बस। बस 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 क्या हुआ? तो अभी हम बैठे हैं अपने डिपार्टमेंट में, वेट कर रहे हैं हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होने का। काउंसलिंग हो चुकी है, पहला नंबर मेरा था। अभी पूरे 11 बज रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हूँ रिज की तरफ, क्योंकि मेरी बस को भी 7 घंटे हैं, थोड़ा घूम लेते हैं और तो क्या। चलो चलते हैं रिज, आपको भी लेके चलते हैं। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं रिज और यहाँ पे धुंध पड़ी हुई है। तक्का बैंड, यहाँ पे बैठ के करेंगे टाइम पास। अभी मेरे साथ एक पोपट हो चुका है, मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था। और उस क्लिप में मैं कह रही थी कि तक सिर्फ 12 बजे हैं, 6 घंटे और काटने हैं और मैं बोर हो रही हूँ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है, एक दो बूंदे गिरी मेरे ऊपर पर मैं छत लाई हूँ। हम खाएंगे भेल पूरी। अच्छी है, इतनी भी कुछ खास नहीं थी वो भेलपूरी कि मैं उसको पूरा ख़त्म करूं, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया है और 50 रुपये डस्टबिन में गए छपाक। और अब हम जगह बदल के बैठ चुके हैं टका बेंच पे। लिफ्ट से जाएंगे, अभी लिफ्ट में हमारे साथ गेम हो गई, सब के सब चढ़ गए, किसी ने बटन ही प्रेस नहीं किया, सब वेट कर रहे। बाद में एक अंकल ने प्रेस किया और सब हंसे थे।
वहाँ से आ चुके हैं हम लिफ्ट से नीचे और अभी यहाँ पे खाएंगे। खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। मेरी 6 बजे की बस है और मैं 2 बजे ISBT पहुँच गई हूँ। इतनी बोरियत चली हुई है। ISBT में भी कुत्ते भरे पड़े हुए हैं और अभी समय हो रहा है 3 घंटे और बचे हैं अभी बस को। वेट करेंगे और अब तो मेरी आंखों में भी जलन हो रही है, देखी क्या। हाँ, वेट करते हैं, जैसे तैसे 3 घंटे बिताते हैं फिर बस का सफर करते हैं। सो भी समय हो रहा है 5:30 और मैं जा रही हूँ अपनी बस देखने लगी होगी तो मैं बैठ जाऊँगी। सीट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी सुबह, यहाँ आके देखते हैं लगी कि नहीं। अभी तक नहीं लगी है बस, इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा सा और। अभी समय हो रहा है 5:50 और हमारी बस लग चुकी है, बस आधे घंटे में चल पड़ेगी। वो बैठते हैं सीट पे और सोती हूँ मैं, मुझे नींद लगी है। जो 6 घंटे बिताए मुझे पता मैंने कैसे बिताए हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं बस में बैठते हैं। अब क्योंकि मैं सेम डे वापस आई थी तो मैंने सोचा कि वो सीट का शीशा ख़राब है, मैं आगे कोई सीट बुक कर लेती हूँ ताकि मैं मतलब धूल से तो बच जाऊँ एटलीस्ट। पर वापसी टाइम धूल की जगह मुझे एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिली, सारा बस ना हैंडल है और खिड़की भी। HRTC वालों का बुरा हाल है भाई, इतनी लॉन्ग रूट पे इतनी टकारा बस कौन भेजता है। देखना खिड़की देखना, तो वोट में रखूँ मैं हाय। पर चलो जो मैं लास्ट टाइम आई थी उससे तो थोड़ी बेहतर है, थोड़ी सी इतनी सी। अभी फिलहाल निकलते हैं जहाँ बस रुकेगी, हम डिनर करेंगे वहाँ पे आपसे मिलते हैं। अभी मैंने थल थल का जुगाड़ लगा दिया है खिड़की का, हैव अ लुक। एक पेज फोल्ड करके यहाँ पे डाला है और एक वो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो फर्क पड़ ही गया है। अब आवाज़ नहीं करता शीशा, नींद अच्छी आ सकती है रात को। हम घर वापस पहुंच चुके हैं। जो लास्ट क्लिप थी मैं विंडो फिक्स कर रही थी वो किसी काम नहीं आई थी, पूरे रास्ते ठक 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 लगाए हुआ था और नतीजा ये हुआ है कि मैं बीमार हो चुकी हूँ। बट क्योंकि आज ये व्लॉग जाएगा तो ये लास्ट क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करनी थी। और मैं कहना चाहूँगी कि मतलब मुझे उस काउंसलिंग में 5 मिनट भी लगे, मतलब मेन 5 मिनट भी लगे जब मैंने मतलब ये वो उनकी सारी जितना वो जो पैनल था उसके आगे बैठ के 5 मिनट भी लगे मुझे। और मैंने ट्रैवल किया था चंबा से शिमला, कितना किलोमीटर जाता है सर्च कर कहती हूँ। ओके सो गूगल के हिसाब से 316 किलोमीटर और 2-वे कर दें तो 632 हो गया, जिसमें सोए नहीं, बस में जाना, बस में आना, कोई रेस्ट नहीं, बस यस 5 मिनट की वो मीटिंग वो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए 632 किलोमीटर। उसके बाद हालत हो गई है ख़राब। और जो मैंने जाने से पिछले दिन पहले जो लास्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने 3 घंटे बिताए थे पुलिस स्टेशन में, अप्रोक्स 3 घंटे पुलिस स्टेशन और तहसील दोनों को मिला के हो गए थे मेरे 3.5 घंटे, वो भी वर्थ इट नहीं था। क्योंकि वहाँ जाके वो बोलते हैं कि
कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। बट मैंने बनवा लिया तो दे ही दिया है, क्योंकि ये चीज़ पहले उन्होंने क्लियर नहीं करी। मेरे को ईमेल आई थी, उसमें लिखा था सभी डॉक्यूमेंट्स, फिर मैंने सेफ साइड में होके जो है वो बनवा लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी वो बाद में वापस मुझे पंगा डाले। ओह सो यस, काउंसलिंग हो चुकी है। कुछ दिन में अब जो है वो लिस्ट आ जाएगी, मैं ये वीडियो अभी डाल दूंगी, शाम को मिल जाएगी आपको 5 बजे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपको कैसी वीडियोस देखनी है। बस ये ज़ुकाम जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है फिर, आपसे मिलेंगे अब हम कल परसों, परसों एक दिन छोड़ के जो वो वीडियोस आ ही रही हैं अब तक देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है फिर, मिलते हैं जल्दी।